नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। मेरे गले पर छुरी रख दो तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वेब वार्ता में आज हम अफदुद्दीन ओवैसी के इसी बयान पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या कोई धर्म अथवा संप्रदाय देश से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर हमें देश को उससे बड़ा मानना पड़ेगा। धर्म देखिए अलग चीज है, बड़े छोटे की बात नहीं है। कई मामलों में धर्म बड़ा इसलिए हो सकता है कि धर्म आपको विश्व के स्तर पर ले जाता है, अध्यात्म के स्तर पर ले जाता है, ब्रह्मांड के स्तर पर ले जाता है, तो वहां धर्म बड़ा है। जिस देश के धर्म से, उसकी वेदों की ऋचाओं से ये आवाज आती हो कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे वसुधा को, इस पूरी वसुंधरा को अपना परिवार मानता हो, कुटुंब मानता हो, वो धर्म अगर अपने आप को इतना छोटा बना लेगा कि वो उसको राष्ट्र पर लादने लगेगा और राष्ट्र से बड़ा होने की कोशिश करके राष्ट्र के नाम पर नई नई सिद्धांत गढ़ेगा तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अगर जिहाद के नाम पर आप अपने धर्म की स्थापना करने जाएंगे तो सही नहीं माना जाएगा। अगर कोई चाहेगा कि सारी दुनिया ईसाई हो जाए तो उसको नहीं माना जाएगा। मैं यहां किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब सब धर्मों ने उदार चरित्र की बात की है तो या तो उसको अपना लीजिए या वसुधैव कुटुंबकम को अपना लीजिए। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली सभ्यता को अगर राष्ट्र के दायरे में रहकर सुरक्षित किया जा सकता है और राष्ट्र के दायरे में रहे बगैर हम उस सभ्यता और संस्कृति के संवाहक नहीं बन पाएंगे, तो हमें उसे मानना होगा कि हमने सबने मिलकर स्वीकार किया है और हम ये देख रहे हैं कि इसके बिना कोई विकल्प नहीं है। तो जब विकल्प नहीं, हाँ, इस राष्ट्र को कैसे चलाया जाए, किस विचारधारा से चलाया जाए, उस पर बहस है, उसकी गुंजाइश है, उसकी संभावना भी है और उसके लिए संविधान में भी प्रावधान किया गया है। संविधान ये नहीं कहता कि केवल वामपंथी इस देश पर राज्य करेंगे या दक्षिणपंथी राज्य करेंगे। उन्होंने तो राजनीतिक पार्टियों का प्रावधान देकर किया, वो पार्टी जिस विचारधारा के जरिए देश को चलाना चाहती चलाए, वो लोग चुनेंगे ना, लोग तय करेंगे कि वो किस तरह का शासन चाहते हैं। अब लोगों की चुनी हुई सरकार और लोकतंत्र के खिलाफ जब आप बंदूक और नारे उछालने लग जाएंगे तब सबसे बड़ा सवाल यह है ना कि फिर देश चलेगा कैसे। आप आइए ना सत्ता में, भागीदारी कीजिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं। भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, सभी ये राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने लग जाते हैं। दिक्कत वही हो रही है ना, भाजपा अलग हो सकती है, भाजपा का आदमी कांग्रेस में जा सकता है, कांग्रेस का आदमी भाजपा में जा सकता है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बन सकती है, तृणमूल कांग्रेस बन सकती है, लेकिन राष्ट्र तो वही है ना जिसका प्रतिनिधित्व आप सब करना चाह रहे हैं। इस सबके मूल में सत्ता है, लेकिन सत्ता किस राष्ट्र की? भारत। और वो भारत नहीं रहेगा, उसकी अवधारणा नहीं रहेगी, उसकी परिकल्पना नहीं रहेगी, एक राष्ट्र के रूप में जिस देश पर आप शासन करना चाहते हैं, उसकी सरकार में आना चाहते हैं, वो खुद ही नहीं रहेगा, तो फिर आप क्या, किस पर शासन करो? लोगों के आजकल स्वार्थ, खासतौर पर राजनीतिक स्वार्थ इतने बड़े हो गए हैं कि वो राष्ट्र को भी छोटा करके देख रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जहां पर बात राष्ट्र की आ जाती है वहां ये सारी अवधारणाएं छोटी हो जाना चाहिए। जब आप राष्ट्र को बड़ा मान लेते हैं और उसके भीतर फिर इन विचारधाराओं की आपस में टकराहट होती है, ये तो अच्छा है, इसकी व्यवस्था है, और इन विचारधाराओं की टकराहट से ही लोग निरंकुश तरीके से इस देश में वो सब नहीं कर पाए हैं वो जो करना चाहते थे। इस देश में अगर आपातकाल लगा है तो उसका विरोध हुआ और तख्ता पलट हुआ है। इस देश में जब कहा गया कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया तो उसको देश ने कैसे नकारा, हमने देखा है। इसी तरीके से आगे चलकर भी किसी भी शासक को अपने सत्ता का घमंड और गुरूर हुआ है तो उस गुरूर को तोड़ने में जनता ने देर नहीं लगाई है, दूसरी विचारधारा को, दूसरी पार्टी को अपनाया है। किसी ने कहा है कि मैं एक वैकल्पिक राजनीति की व्यवस्था करता हूं, मैं इस देश को बदल के रख दूंगा। हम देखते हैं कि असम गण परिषद की जब गठन हुआ था, विश्वविद्यालय के हॉस्टल के कमरों से निकलकर छात्रों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस देश के लोकतंत्र की इस ताकत को समझिए, उसे अपनाइए। एक अरविंद केजरीवाल ने जब कहा था कि मैं आपको सुशासन दूंगा, सत्ता दूंगा और कांग्रेस भाजपा के दबाव से, जुल्मों से बचाऊंगा, उनको 67 सीटों से जिताया। तमाम उदाहरण है हमारे पास। इन उदाहरणों पर भरोसा करके आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद ठीक है, किस तरीके से ठीक है? वो नक्सलवादी सत्ता में क्यों नहीं आते? वो अरविंद केजरीवाल या प्रफुल्ल कुमार महंत क्यों नहीं बनते? वो सत्ता में, शासन में भागीदारी करके इस देश के निर्माण में हाथ क्यों नहीं बटाते? देश के जवानों को, आरपीएफ के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को गोलियां मारकर आपके इस देश, माना कि गांवों में जुल्म हो रहा होगा, माना कि वहां पर सत्ता शासन ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पर आने वाले सेना के जवानों को गोली से उड़ा देने से क्या सत्ता और शासन ठीक हो जाएगा? आप भागीदारी कीजिए, पंचायतों में चुनकर आइए, सरपंच बनिए, विधायक बनिए, किसने रोका है? वोट लीजिए और उस वोट के ताकत से वहां पर समाज में बदलाव लाकर दिखाइए और दुनिया को दिखाइए कि इसके पहले जिन पार्टियों ने, जिन मुख्यमंत्रियों ने शासन किया, उन्होंने इन प्रभावित क्षेत्रों का यह हाल करके रखा था। वहां पर पीने का पानी नहीं, झारखंड के कई इलाके 40-40 घंटे वहां पर बिजली नहीं है,
वहां पर आज भी बुल्टू रेडियो के नाम से वो रेडियो सुनते हैं, उस पर समाचार सुनते हैं, वो ब्लूटूथ को बुल्टू रेडियो बोलते हैं। ये वहां की एक सच्चाई है। इन सच्चाइयों को नक्सलवाद के जरिए दूर नहीं किया जा सकता, इन सच्चाइयों को सेना के जवानों को गोली मार के दूर नहीं किया जा सकता, इन सच्चाइयों को सत्ता में भागीदारी से दूर किया जा सकता है। तो ओवैसी जैसे लोग जो संसद में बैठे हैं, सत्ता में उनकी भी भागीदारी है, चाहे विपक्ष में बैठकर हो, संसद में कुछ बहस होती है तो उसमें वो अपनी बात रख सकते हैं। वो लोग जब मंच से कहते हैं कि मैं भारत माता की जय के नारे नहीं लगाऊंगा, तो मेरे दिमाग में सारी चीजें घूमने लगती है कि किस तरीके से विचारधाराओं के अतिक्रमण के जरिए राष्ट्र की कल्पना को चुनौती दी जा रही है। ये घातक है, इससे बचने की जरूरत है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के बयान की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।